हाँ जी दोस्तों तो जो अपना ऑडिट का बिल्कुल फ्री फास्ट पे चल रहा था ना उस मैंने आपको बताया था प्रोफेशन के क्लोज नंबर की अलग से क्लास होगी तो ये वो ही है सर जो मतलब प्रोफेशन देख समझा अपन ने उधर फ्री फास्ट बेस में दिया था पूरा का पूरा, पूरा आपको मिल जाएगा हंड्रेड परसेंट समझा रखा अपन ने उधर कोई दिक्कत नहीं है उधयपुर की क्लास मिल जाएगी मिल जाएगा पर ना बच्चों को सर ये जो फर्स्ट शेड्यूल शेड्यूल इसके अंदर भी फर्स्ट के अंदर चार पार्ट सेकंड के अंदर तीन पार्ट और उसमें भी बहुत बड़ी दिक्कत पार्ट वन के अंदर बारह क्लोज सेकंड शेड्यूल के अंदर दस क्लोज ये दो बड़े बड़े बहुत बड़ी दिक्कत हमारे माथे पे सर आप याद करा दीजिए क्या बिल्कुल करा देंगे याद इसमें क्या दिक्कत हो गई तो बस ये अपन आज याद कराने के लिए मिले हैं ये सर कैसे याद करना है देखो फर्स्ट शेड्यूल सबसे पहले देखो फर्स्ट शेड्यूल शेड तुमको याद नहीं आना चाहिए तो भाई अगर ये क्लास तुम देख रहे हो बिना प्रोफेशन पढ़े ना तो इधर से निकल जाना इधर मत देखना इधर घुसना ही मत और अब क्लास की वैलिडिटी के हिसाब से तुम ध्यान में रखना फिलहाल तो बाकी पहले एक बार प्रोफेसनिका यूट्यूब पर जाकर लेक्चर देखो या तुम खुद पढ़ो प्रोफेशन प्रोफेशनिक याद करो उसके बाद आना इस क्लास में वरना या आगे बोलोगे कुछ नहीं पता रहा भाई पहले प्रोफेशन प्रोफेशनिक समझो समझाने का नहीं क्या पे क्लास नंबर याद कैसे कराने में उस पर दूंगा ध्यान ठीक है तो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर चार पार्ट थे सेकंड शेड्यूल के अंदर तीन पार्ट थे मतलब है अभी भी

दो है सेकंड के अंदर दो है दो 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 थर्ड के अंदर तीन है थर्ड के अंदर तीन है तीन के अंदर तीन है तीन के अंदर तीन है चार के अंदर दो कैसे हो गए क्योंकि इसको डिवाइड बाय टू कर दिया अपन ने इसको डिवाइड बाय कर दिया अपन ने तो चार के अंदर दो हो गए ठीक है ये एक बार ऊपर से और भी दे रहे दिमाग में फिट रहे क्या इसके अंदर इतने क्लोज इसके अंदर इतने उसके बाद याद करने पर अपन बाद में आते हैं ठीक है तो फर्स्ट के अंदर बारह है सेकंड के अंदर अपन दो है दो तीन के अंदर तीन है चार के अंदर चार को डिवाइड बाय टू करके अपने दो क्लोज रखती है ठीक है इसके अंदर के आगे जीरो लगा दो टू को पे डिवाइड करा दे आप टू को मल्टीप्लाई कर दो टू से पे डिवाइड करा दे तो मल्टीप्लाई कर दो टू से तो फोर हो गए ठीक है इसे इसका क्या आपको समझाने की जरूरत नहीं बस ओवर यू फिट करना है कि किसके अंदर कितने क्लोजे है किस पार्ट के अंदर मुझे इसलिए मैं बता रहा हूं फर्स्ट क्या आगे जीरो लगा रहे वन जीरो टू के अंदर टू इंटू टू के आगे अपन को टू इंटू टू करना है फोर हो गया थर्ड के अंदर लगा दो तीन के अंदर एक पार्ट मतलब तीन के अंदर क्यों ही है ये तो वैसे भी बता दूंगा मैं अगर मिसकंडक्ट नहीं आ गया छह महीने से ज्यादा की जब आपको कांट करा आपने छह महीने ज्यादा की आपको जेल हो गई को अगर मिस उसमें तो एक ही है ना ये जनरली वाला तो ठीक तो है तो अपन सबसे पहले अभी आते हैं सर फर्स्ट शेड्यूल जी जो फर्स्ट शेड्यूल है ना फर्स्ट शेड्यूल के बारे में हमको बारह जो क्लोज है ना वो बहुत ज्यादा परेशान कर रहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं अपन इनको परेशान कर देते हैं सुनो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर तो बारह क्लोजेस है फर्स्ट क्लोज याद करो ध्यान से दूसरे को प्रैक्टिस करने दे सकते हैं कि अपने नाम के लिए नहीं तो दूसरे को प्रैक्टिस का लाइसेंस बेचकर दूसरों को मैं प्रैक्टिस करता हूँ प्रैक्टिस तो से आज क्या करते हैं मेरा लाइसेंस कि तू मेरे नाम से प्रैक्टिस पचास हजार एक लाख महीने के बस नाम से पैसे लेना देना मना है पैसे देना लेना मना है दूसरों को प्रैक्टिस का लाइसेंस बेचकर पैसे देना लेना मना है पहले देना फिर लेना दूसरों को प्रैक्टिस का लाइसेंस बेचकर पैसे देना लेना मना है दूसरों को प्रैक्टिस का लाइसेंस बेच के पैसे ले देना लेना मना है क्योंकि जो प्रोफेशनल फीस होती है जनरली केवल चार पार्टनर्स होते हैं उन्हीं की में बढ़ती है चार पार्टनर जो होते हैं उसी में बंटती है सी ए सी एस सी एम ए एल एल अपने चार पार्टनर कौन थे सी ए सी एस सी एम ए एल एल तो भाई प्रैक्टिस का ध्यान साथ साथ बोलो याद होगा याद होगा साथ साथ बोलो प्रैक्टिस का लाइसेंस बेचकर फीस देना लेना मनाए क्योंकि फीस तो केवल चार पार्टनर्स के बीच में ही बटेगी तो प्रैक्टिस को दूसरों को बेचकर पैसा देना यहाँ पे क्या है देना एग्री हो गया अपन शेयर करने के लिए देना यहाँ पे क्या हो गया लेना यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए मनाए क्योंकि फीस केवल चार पार्टनर्स के बीच में ही बचेगी चार पार्टनर के बीच में ही बस एक बटेगी तो भाई प्रैक्टिस का लाइसेंस दूसरों को बेच के मतलब प्रैक्टिस में दूसरों को अपने नाम पे प्रैक्टिस नहीं करने दे सकता वो था ना अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं वाला बस या तो एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर एक तो सीए होना ही चाहिए प्लस या तो अपना एम्प्लॉय होना चाहिए या फिर अपना होना चाहिए तो ये अपन कर सकते हैं अब मैं समझाऊंगा नहीं यहाँ पे बस तुमको मेरे को आइडिया कि तुमको क्लोज नंबर ऑलरेडी याद है मतलब क्लोज अंदर की डिटेल तुमको पता है ठीक है तो दूसरों को, को बेच नहीं सकते अपन अपनी प्रैक्टिस का लाइसेंस मतलब दूसरों को अपनी प्रैक्टिस अपने नाम से प्रैक्टिस नहीं करने दे सकते फिर सेकंड वाला अपन ने पढ़ा फीस देना लेना मना है मेरी प्रोफेशनल फीस में किसी दूसरे को शेयर नहीं कर सकता एग्री और एग्री टू पे नहीं कर सकता लेना भी मना है मैं खुद एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता हूं तो देना लेना दोनों मना है क्योंकि वो फीस केवल चार पार्टनर में बटेगी तो पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप का क्लोज था कि कितने मतलब किस किस अपन पार्टनरशिप कर सकते हैं वो पार्टनरशिप वाला क्लोज आ गया यहां पे ठीक है तो ये अपने चार पॉइंट यहां पे हो गए अब चार तो नहीं हो उसके बाद पांचवा पांच कांच के बराबर पे पार पांच कांच पे पेड़ रखने के बराबर है दूसरों से काम मांगना अपन ऐसे स्विंग सीए अपन दूसरों से काम नहीं मांग सकते वरना वो कांच पे जितना पेड़ रखने पे दर्द होता है उतना ऐसे अपन को दर्द दर्द देगा तो पांच कांच पर पेड़ रखने के बराबर है दूसरों से पैसे मांगना थोड़ा सर कैसी किसी बात करके याद दिला रहे हो पांच काच गारंटी दे रहा हूँ श्योर दे रहा हूँ भाई हम भी कभी स्टूडेंट थे बाकी भी स्टूडेंट रहे हैं इसी से याद होगा तुमको यही याद होगा हंड्रेड परसेंट टेन परसेंट तुमको इससे याद हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है बस तुमको इसको साथ साथ बने रहो मेरी जो गंदी ट्रिक्स है उसके साथ बने रहो तुमको याद होगा हंड्रेड टेन परसेंट को खुद के दिमाग में आएगा पाँच, में आएगा। पाँच मतलब हाँ पाँच कांच पाँच से याद आएगा पाँच काच पाँच कांच के बराबर पे पाँच कांच के बराबर पे रखने बराबर है दूसरे से काम मांगना तुम्हारे दिमाग में अपने आप वो राइम बनेगा ठीक है पाँच काज पे पैर रखने के बराबर है दूसरों से काम मांगना मतलब मैं गिल्टी और प्रोफेशन बिसकन्र... गिल्टी होगा प्रोफेशन मिसकंडक्ट का अगर मैंने किसी से भी सिक्योर कराया धंधा धंधा मतलब बिजनेस किसी से भी सिक्योर कराया जो मेरा एम्प्लॉय या फिर पार्टनर नहीं था जो मेरा एम्प्लॉय या फिर पार्टनर नहीं था उसमें अगर मैंने बिजनेस सिक्योर कराया मैंने धंधा मंगवाया तो मैंने ऐसा काम कर दिया मैं गिल्टी हो जाऊंगा और पांच काज के बराबर पांच काज पे पैर रखने के बराबर है दूसरों से काम मंगाना पांच काज पे पैर रखना है दूसरों से काम मंगवाना पांच काज पे पैर रखने के बराबर है दूसरों पर काम मंगाना सिक्स सिक्स से क्या आ देना चाहिए सिक्स जैसी हरकतें मत करो ये तुम ऐसे चार्टड अकाउंटेंट हो तो इज्जत रखो पान की दुकान नहीं है बड़े बड़े होर्डिंग लगा के बैठे हो सिक्स जैसी हरकतें मत करो पान की दुकान की जैसे होर्डिंग लगा के बैठे हो बड़े बड़े कि मेरे को धंधा दे दो धंधा दे दो मैं ये कर लूंगा मैं वो कर दूंगा मैं बहुत अच्छा सीओ मैं वो हूँ मैं वो हूँ बिल्कुल तारीफों के पुल मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे एडवर्टाइजमेंट मार रहे हो कि मैं सर्विस देता हूँ ये सर्विस देता हूँ ये पांच सौ रुपए में देता हूँ दो सौ रुपये में देता हूँ बीस में देता हूँ ये ऐसे सिक्स जैसे काम मत करो सिक्स जैसी हरकतें मत करो सी के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो सोलिसिटेड नहीं कर सकते आप किसी भी क्लाइंट को सीए IP करके सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट इंटरव्यू पर्सनल करके मतलब एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं करना है अपना प्रमोशन नहीं करना है, है, है। पांच काज पे दो सिक्स करो, करो, करो। तो तो से भी बढ़कर मतलब प्लस वन हरकतें हो जाएगी अगर आप अपनी खुद की प्रोफेशनल अटेंडमेंट गिना रहे हो कि मैं बहुत बड़ा पार्टनर हूँ पीडब्लू के अंदर मोस्ट पार्टनर हूँ मैं पच्चीस साल का एक्सपीरियंस है मैंने इसकी ऑडिट भी करी है उसकी भी करी है मतलब अपना प्रोफेशनल

आप काम कर रहे हो फीस तो केवल चार दिनों में बटेगी सीएम प्रैक्टिस किसी को भी फीस दे ले, दे ले दे प्रैक्टिस का नाम यूज नहीं करने दे सकता और फीस दे ले नहीं सकता क्योंकि मतलब प्रैक्टिस का लाइसेंस बेच के फीस ले नहीं सकता देना फीस देना और फीस लेना दोनों नहीं कर सकता क्योंकि फीस केवल चार पार्टनर्स में बचेगी है, चार पार्टनर्स में बटेगी पांच काज के ऊपर पे रखने के बराबर है पांच काज के ऊपर पे रखने के बराबर है दूसरों से काम मांगना पांच काज के ऊपर पे रखने के बराबर है दूसरों से काम मांगना पांच काज के ऊपर पैर रखने के बराबर है दूसरों से काम मांगना ठीक है तो दूसरों के थ्रू मैं बिजनेस सिक्योर नहीं कर सकता सिक्स से क्या आएगा सिक्स करते मत करो तुम अपने एडवर्टाइजमेंट मत करो में इंटरव्यू पर्सनली कुछ भी सोलिसिटेट मत करो क्लाइंट को और सिक्स प्लस वन सिक्स से भी बड़ी आप क्या कर रहे हो खुद के प्रोफेशनल अटेंडमेंट को गिना रहे हो खुद के प्रोफेशनल अटेंडमेंट को गिना रहे हो फिर आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा अगर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करा तो अगर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करे बिना आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा अगर प्रीवियस ऑडिटर से तुमने कम्युनिकेट करा बिना ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा अगर प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करे बिना तुमने अगर आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर ली तो आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा आठों को सात मारूंगा एक साथ मारूंगा ठीक है तो प्रीवियसली ऑडिटर का अगर कोई था वहां पर अनोदा सी तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा नो अपॉइंटमेंट अपॉइंट नो से क्या क्या नो नो मतलब नाइन होता है ना नाइन नाइन को हिंदी में क्या कहते हैं नो नो कर देना तुम अपॉइंट होने से नो no कर देना मतलब नो no कर देना तुम अपॉइंट होने से अगर 139 थर्टी यहां पर भी नो आ गया यहाँ पे भी नो आ गया तो अगर हो रही की सेक्शन अगर तुम्हारी पूरी नहीं हो रही है तो नो कर देना तो नो कर देना नो मतलब नहीं कर देना नो मतलब नहीं कर देना तो क्लोज नंबर भी नाइन है नो भी अपन को करना है तो नाइन 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 हो गया तो नो कर देना अगर वन थर्टी पूरी नहीं हो रही तो नो कर देना नहीं हो रही तो नो नो

दस परसेंट प्रॉफिट मार्जिन दस परसेंट प्रॉफिट मार्जिन कितना है दस परसेंट प्रॉफिट मार्जिन मतलब कितना है गर, ratio, यही आता है दस परसेंट दस परसेंट ऑफ प्रॉफिट जो आपको मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किससे एक्सेप्ट नहीं करना कंटिंजेंट फाइंडिंग जो कंटिंजेंट अपॉन फाइंडिंग हो वैसा पैसा आपको किससे नहीं लेना देना है भाई साहब ठीक है ये भी हो गया फिर ए ग्यारह क्या हो गया ग्यारह कैसे बनता है वन और वन वन और वन एक एक करके कितने काम धंधे करेगा भाई तू तो सीए सीए की प्रैक्टिस पे ध्यान दे एक करके कितने काम धंधे करेगा तू एक करके कितने काम धंधे करेगा तू वन 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 एक एक करके कितने धंधे करेगा, करेगा एक एक करके कितने काम धंधे करेगा एक एक करके कितने काम धंधे करेगा ये जो समरी दे रखी है ना मैंने समरी ये वाली समरी जो है ये समरी नाम अगर अगर जिसने बुक करी है अपनी तो एडिशनल बुकलेट है ना वो एडिशनल बुकलेट के है, है तो में बुक में ढूंढ रहे तो मेन बुक के साथ उसके अंदर ये वाला ठीक है ना एक, -एक करके कितने बिजनेस करेगा तो वो एक से ज्यादा बिजनेस में ऑक्युपाई नहीं हो सकता हम लोग प्रैक्टिस ही करो बाकी दूसरे धंधे इन्वॉल्व मत हो तो एक करके कितने बिजनेस तू करेगा भाई सीए तू तो बारह बजा देगी गवर्नमेंट अगर हर किसी जगह साइन कर दिए तो जैसे आई एल एफ एस ऑडिटर सत्यम में पी सी था तो उसने हर कहीं पे गलती साइन कर दिए बिना कुछ सोचे समझे अगर आपने बिना एग्जामिनेशन करे आपने हर कहीं पे साइन कर दिए हैं मतलब हर किसी से साइन करवा दिए हैं आपने जो अपना ना तो पार्टनर था ना कुछ था अगर वैसा साइन करा दिया तो 12 बजा देगी गवर्नमेंट क्या कर देगी 12 बजा देगी अगर हर किसी हर किसी से साइन करवा लिए तो हर किसी से अगर साइन करा लिए आपने तो गवर्नमेंट 12 बजा देगी गवर्नमेंट 12 बजा देगी 12 बजा देगी अब तुम देखो अभी दूंगा। अब ध्यान अब तुम्हारे दिमाग में आएगी चीजें स्टार्टिंग चार में तुमने क्या था कि भाई किसी को मैं मेरा लाइसेंस बेच के मतलब प्रैक्टिस का लाइसेंस बेच के फीस दे ले नहीं सकता पहला वाला दूसरे को मेरे नाम पे प्रैक्टिस नहीं करने करता फीस दे ले नहीं सकता फीस दे ले नहीं सकता क्योंकि फीस तो केवल चार पार्टी में बटेगी तो चार से चार हो गया चार से फीस तो केवल चार पार्टी में बैठेगी तो चार से पार्टनर भी हो गया चार पार्टनर चार पार्टनर क्लोज नंबर भी फोर है यहाँ पे फीस देना और लेना दोनों मना है ना प्रैक्टिस में लाइसेंस बेच के फीस देना लेना दोनों मना है प्रैक्टिस का किसी को लाइसेंस नहीं बेच सकता फर्स्ट पॉइंट ये हो गया क्योंकि प्रैक्टिस का फीस लाइसेंस बेच के मैं फीस दे ले नहीं सकता फीस देना मना है फीस लेना नहीं मना है क्योंकि वो फीस केवल चार पार्ट में बैठेगी क्योंकि फीस केवल चार पार्ट में बैठेगी फीस केवल चार पार्ट में बैठेगी अब पांच से पांच काज के बराबर है रखना क्या दूसरों से काम मंगवाना अगर दूसरों से काम मंगवाए तो पांच पे

फिर आठ हो गया नो नो कर देना आपको नो कर देना अगर वन थ्री नो वन थ्री नो मतलब पूरी नहीं हो रही तो नो कर देना वो नो हो गया फिर दस दस परसेंट प्रॉफिट एक्सेप्ट नहीं करनी है कितने बिजनेस करेगा तू भाई एक से बिजनेस नहीं कर सकता देखा आपको लेनी पड़ जाएगी बारह बारह बजा देगी गवर्नमेंट बारह बजा देगी गवर्नमेंट बारह बजा देगी अगर तुमने गवर्नमेंट बारह बजा देगी अगर तुम ने हर किस से साइन करवा लिए तो ठीक है सर ये याद हो गया होगा मेरे को लगता है पूरा का पूरा अच्छे से क्यों नहीं हुआ वापस करना है वापस कर लेते हैं ए भाई साहब आप मैंने बोला था कि किसी को भी प्रैक्टिस का लाइसेंस नहीं बेचना है और उस प्रैक्टिस का लाइसेंस बेच के आप किस फीस दे ले नहीं सकते क्योंकि वो फीस तो चार हजार में बढ़ेगी प्रैक्टिस किसको नहीं बेचना है वो फीस तो के, ना तो फीस दे सकते हो किसी को ना फीस ले सकते हो किसी को क्योंकि वो फीस तो चार पार्ट में बटेगी चार क्लोज का भी हो गया पांच काज के बराबर पे रखना है अगर पांच काज के बराबर पे रखना है अगर आपने सिक्योर करा बिजनेस किसी दूसरे के बंदे की मदद से सिक्स से हरकत मत करो आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर सकते सोल्यूशन नहीं कर सकते क्लाइंट को सातों सिक्स प्लस वन है सिक्स प्लस वन है

के बाद क्या आएगा भाई बारह बारह बजा देगी गवर्नमेंट गवर्नमेंट बारह बजा देगी गवर्नमेंट अगर हर किसी हर किसी जगह साइन कर लिया आपने तो गवर्नमेंट बारह बजा देगी ठीक है सर अपना मेन एक सबसे बड़ा पार्ट हो गया उसके बाद भी चलो अभी ये वाले ना इसको मैं ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा मतलब कोई मतलब भी नहीं मतलब ये तो तुमको करने भी हो हो भी जाएंगे बहुत इजीली दो के अंदर दो क्लोज है तीन के अंदर तीन, के अंदर, तीन क्लोज है क्या याद कराऊं देखो फर्स्ट वाला प्रैक्टिस के अंदर था सेकंड वाला सर्विस के अंदर है सर्विस के अंदर भी पे मना कर है आप किसी को सैलरी दे नहीं सकते और किसी से सैलरी टाइप आप कोई भी ऐसा सैलरी टाइप आप कुछ भी उससे ले नहीं सकते ग्रेटिफिकेशन नहीं ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पे देना मना है यहाँ पे लेना मना है बस इसके अंदर तो कुछ है भी नहीं सेकंड पार्ट के अंदर यहां पे आप किसी को अगर सैलरी पे हो तो किसी को भी आप इन्वॉलमेंट अपना किसी को दे नहीं सकते यहाँ पे किसी से ले नहीं सकते जो भी अपना एम्प्लॉयर है उस इस एम्प्लॉयर ने जो भी किसी लॉयर वगैरह सी को रखा है तो उससे ले नहीं सकते ये ठीक है इसके अंदर तो। फर्स्ट वाले के अंदर बारह हो गए वो सबसे बड़े थे सेकंड वाले के अंदर सर्विस के अंदर क्या है सेकंड वाला तुमको ये ध्यान रखना है कि सर्विस के अंदर कोई बंदे तो सर्विस के अंदर बंदे को यही देना है कि अपनी सैलरी किसको दे नहीं सकता अपनी सैलरी किसको ले नहीं सकता सेलरी दे नहीं सकता सलीर ले नहीं सकता दो पार्ट हो गए दो से दो हो गए ये दो ये भी दो ठीक है पार्ट नंबर टू और ये भी टू और सर्विस का है तुमको ये बता रहेगा तो सर्विस का है तो बस सर्विस और बंदे को ये ध्यान रखना है कि किसको दे नहीं सकता किससे ले नहीं सकता किसी को दे भी नहीं सकता खुद की वो इन्वॉल्वेंट और किसी क्रेटिफिकेशन कोई ले भी नहीं सकता है ठीक है ना तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा इसमें तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा तीन का तो आंकड़े खराब है सारे खराब काम पे कर रहा है सीए ना होकर बोल रहे तीन हूं क्लोज से वो वो ना सॉरी फेलो फेलो भी बोला कि मैं फेलो मेंबर हूं। नहीं है वो केवल अभी तक तो ए है तो बोला कि मैं तो एफ सीए हूँ तो तीनों काम गलत गलत कर रहा है फिर इंस्टीट्यूट ने इंफॉर्मेशन मांग ली वो बोल रहा है एफ सी ए इंस्टीट्यूट ने इन्फॉर्मेशन ली अच्छा तो तेरे सारे डॉक्यूमेंट दे अच्छा तेरे सारे डॉक्यूमेंट दे तो इंस्टीट्यूट को इनफॉर्मेशन सप्लाई नहीं कर रहा है इंस्टीट्यूट को इफॉर्मेश सप्लाई नहीं कर रहा और झूठ बोल के धंधा ले रहा है 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 मतलब जब भी वो प्रोफ, इन्वाइट करा है प्रोफेशनल किसी दूसरे CSA, टेंडर के या फिर एडवर्टाइजमेंट के थ्रू तो झूठ बोल के धंधा ले रहा है मतलब एफ सी ए बोला है झूठ बोल, बोल रहा है तो झूठ बोल के धंधा ले रहा है तो फर्स्ट वाला क्या था फर्स्ट में उसने एक गलत काम किया तीन दिन काम बिगाड़ा कि मैं एफ सी नहीं हूँ फिर भी एफ सी बोला तो इंस्टीट्यूट बोला अच्छा तो एफ सी सारी इन्फॉर्मेशन सारी इन्फॉर्मेशन दे सारी इन्फॉर्मेशन दे तो उसने इन्फॉर्मेशन ना दी इन्फॉर्मेशन उसने ना दी इन्फॉर्मेशन ना दी उसने नॉट सप्लाए और तीसरा फिर उसमें झूठ बोलगा एफ सी बोल के धंधे ले रहा है झूठ बोल के धंधे ले रहा है झूठ बोल के ले रहा है ठीक है तो फर्स्ट हो गया होगा क्लोज हो गए किससे ले नहीं सकता रखना है तीन तीन काम बिगाड़ सारे खराब काम कर रहा है झूठ बोल रहा है मैं एफ हूं इंस्टीट्यूट ने भी डाटा मांगा अच्छा तो एफ सी डाटा दे तो उसने डाटा नहीं दिया और एफ बोल रहा झूठ बोल रखा है तो उसे झूठ के सारे काम ले रहा है झूठ बोल के सारे काम ले रहा है प्रोफेशनल झूठ बोल के कर रहा है ये गलत हो गया फोर्थ के अंदर कुछ भी नहीं है अदर मिसकंडक्ट जो जनरली सब पे लगता है छह महीने से ज्यादा फोर डिवाइड बाई टू मतलब दो क्लोज थे फोर डिवाइड बाई टू छः महीने से ज्यादा अगर आपको जेल की सजा हुई तो यहाँ पे गिल्टी होंगे या फिर कोई भी ऐसा काम करा आपने डिस्ट्रीप्यूट करा प्रोफेशनल वर्क को तो यह गिल्टी होंगे तो ये वाला के अंदर एक तो ये फोर्थ पार्ट का ये और इसके नीचे जो थर्ड पार्ट आएगा ये थर्ड पार्ट सेकंड शेड्यूल का ये तो इसके अंदर थर्ड पार्ट के अंदर ध्यान रखना हमेशा एक ही एक ही एक ही क्लोज है कि छह महीने से ज्यादा अगर आपने कोई गंदा काम करके जेल पे गए हो तो आप डिस्ट्रीप्यूट कर रहे हो और इस वाले के अंदर फोर्थ पार्ट के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के फोर्थ पार्ट के अंदर दो क्लोज है फर्शाला बोलता है कि आप कोई भी छह महीने तक अगर आपने कांड करके जेल में रुके हो तो और एक कोई भी कोई भी ऐसा काम जिससे आप डिस्ट्रीब्यूट करिए इंस्टीट्यूशन को तो दो क्लोज हो ठीक है सर ये अपना फर्स्ट शेड्यूल हो गया टेंशन ना लो मैं वापस फर्स्ट शेड्यूल पे लाऊंगा तुमको वापस से पढ़ाऊंगा मैं तुमको अभी दिमाग में डाल के छोड़ेंगे भाई साहब अब बस वापस एक और सबसे बड़ा क्या बचा सेकंड शेड्यूल का सेकंड शेड्यूल का पार्ट वन उसके अंदर भी क्लोचेज क्लोचेज है दस क्लोचेज। ठीक है तो वो बाला याद हो गए तो मुझे दस भी करा दो तो दश भी कर देते अपन भाई तो ट्रिपल सी है क्या ट्रिपल सी है क्या मतलब CCC है क्या तो ट्रिपल सी है क्या अक्कल नहीं है अगर तेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट था तो डिस्क्लोज कर देता ना उसके ऑडिट करने क्यों चले क्या भाई तू ट्रिपल सी है क्या अगर तेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट था मतलब तू तो इंटरेस्ट रखता था उस ऑर्गेनाइजेशन में तो ऑडिट करने के कैसे पागल है क्या उसको डिस्क्लोज करना था तेरे को उसको डिस्क्लोज करके रिपोर्ट करना था अगर तो तू भाई ट्रिपल सी है क्या अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में तेरा इंटरेस्ट था तो उसको डिस्क्लोज करके रिपोर्ट करना था ना तेरे को किसी को बिना फालतू ऑडिट करने चले गया वहां पर तेरा भाई इंटरेस्ट था तो ऑडिट कर सकता है क्या तेरा इंडिपेंडेंट इशू था पागल कहीं का भाई तो ट्रिपल सी है क्या अगर तेरा उस ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेस्ट था तो तुझे डिस्क्लोज करना था रिपोर्ट करना था रिपोर्ट करना था ऑडिट करने चले गया उधर पागल अब ठीक है अब अग तू अगर ड्यू डिलीजेंस से काम नहीं करेगा तो सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और तू फेल हो जाएगा अगर मतलब ऑडिट करते वक्त अगर तू फिर ड्यू डिलीजेंस से काम नहीं करेगा तो मतलब सफिशेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी ड्यू डिलजेंस लगाना पड़ता है ना काम करते हो अगर तू ड्यू डिलीजेंस से काम नहीं करेगा मतलब सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो तू फेल हो जाएगा तो तू फेल हो जाएगा अगर तू ड्यू डिलीजेंस से काम नहीं करेगा सफिशेंट इफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो तू फेल हो जाएगा फिर मैं क्या कर सकता हूँ हाँ, तो भाई तू तो ट्रिपल सी है क्या तुझे अगर तेरा इंटरेस्ट था उस ऑर्गेनाइजेशन में तो तुझे डिस्क्लोज करना था किसको रिपोर्ट करना था ऑडिट करना थोड़ा था ट्रिपल सी स्टार्टिंग के तीन हो गए सी 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 ट्रिपल सारी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी है किसी क्लाइंट की डिस्क्लोज नहीं करना है सर्टिफिकेट मत इशू करना अनलेस आपने एग्जामिनेशन कर लिया सर्टिफाई आपको कुछ भी नहीं करना बिना एग्जामिनेशन करे सर्टिफाई कुछ भी नहीं करना बिना एग्जामिनेशन करे फिर सी से आ गया तीसरा कंटिजेंट कंटिजेंट डाटा पे आपको कोई भी अश्योरेंस नहीं देनी होती है बस उस कुछ कंडीशन लगाती है कुछ कंडीशन की कि आपने वाउच नहीं करा है उसको वो समझा नहीं रहा मैं अभी ठीक है ना तो ट्रिपल सी तू ट्रिपल सी है क्या कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं इशू करना सर्टिफाई नहीं करना बिना चेकिंग करें तो ट्रिपल सी है क्या कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट कंटीजन क्या ियल सर्टिफिकेट कंटिजनशल सर्टिफिकेट कंटीजेंट कंटीजन सर्टिफिकेट कंटीजन सर्टिफिकेट कंटीजन सर्टिफिकेट कंडीशनशियल सर्टिकन कॉन्फिडेंशियल सर्टिटिकेट कंटेन कॉन्फिडेंशल सर्टिफिकेट कंटेजेंशियल सर्टिटिकेट कंटेन कॉन्फिडेंशियल सर्टिटिकेट कंटिजन सर्टिफिकेट कंटिजनिडियल सर्टिफिकेन्शल सर्टिफिकेलियल सर्टिफिकेट ट्रिपल सी हो गया तो ट्रिपल सी है क्या अगर तेरा कोई भी इंटरेस्ट था मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जहाँ एक्सप्रेस कर रहे हो ऑडिट कर रहे हो वहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट था तो किसी को डिस्क्लोज करके रिपोर्ट करना बात को भाई मतलब आपने डिस्क्लोज नहीं करा मटेरियल फैक्ट रिपोर्ट नहीं करा मटेरियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करा मटेरियल फैक्ट रिपोर्ट नहीं करा मटेरियल स्टेटमेंट डिस्कलोज नहीं करा मटेरियल फैक्ट या फिर रिपोर्ट नहीं करा मेटरियशन तो ठीक है भाई अब तू तो अगर ड्यू डिसीजन रख के ऑडिट नहीं करेगा तो सफिशियंट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी और तू फेल हो जाएगा और तू फेल हो जाएगा और तू फेल हो जाएगा <coughs> ठीक है नो पॉइंट अपने हो गया दसवा यह रखना है कि वहां पे ऊपर ऊपर देखो वाले पे जाओ फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट यहां पर दस लाख ,00 रुपए खा गया क्लाइंट के दस लाख रुपए खा गया मतलब उसने अगर क्लाइंट की मनी सेपरेटली नहीं रखी या फिर दूसरे परपज के लिए यूज ले ली मतलब वो पैसा खा गया तो वो क्लाइंट का पैसे को सेपरेटली नहीं रखे खुद ने पर्पज के लिए यूज ले लिया तो दस लाख रुपए क्लाइंट के खा गया पे नंबर करेगा ऊपर वाला क्लोज नंबर टेन के अंदर था कि दस प्रॉफिट तो ट्रिपल सी है क्या ट्रिपल सी है क्या भाई तू कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट कॉन्टिजेंट सर्टिफिकेट, कॉन्फिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं करना बिना एग्जामिनेशन के और एक कंटिजेंट डाटा पे आपको अपनी ओपिनियन नहीं देनी है अभी एक बार मैं यही समझा रहा हूं मतलब बाकी डिटेल के अंदर नहीं जा रहा हूं भाई तू ट्रिपल सी है क्या 嗯。Hmm. तो भाई तू ट्रिपल सी है क्या अगर तेरा कोई इंटरेस्ट था उधर तो डिस्क्लोज करना था रिपोर्ट करना था ट्रिपल सी मतलब एक तो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को किसको नहीं बताने सर्टिफाई नहीं करने पाने चले एग्जामिनेशन के और कंटेंजन डाटा पे को ओपिनियन नहीं देनी अगर तू ट्रिपल सी है क्या अगर तेरा कोई इंटरेस्ट था मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए ओपिनियन करते हो अगर हे तो आपको डिस्कलो करके किसको रिपोर्ट करना था ना डिस्कलो नहीं करा कोई मटेरियल फैक्ट डिस्कलो नहीं करा मटेरियल फैक्ट रिपोर्ट नहीं करा कोई मिस स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं करा कोई मिस स्टेटमेंट रिपोर्ट नहीं करा कोई मिस स्टेटमेंट डिस्कोज नहीं फैक्ट डिस्कलो नहीं करा मटेरियल फैक्ट रिपोर्ट नहीं

सर अब ये हो गया ना तो अब ये हमको थोड़ा लग रहा है कंफ्यूजिंग क्योंकि हमने ऊपर भी बारह क्लोज करे यहाँ पे भी दस क्लोज करे तो एक बार दोनों को लिंक कर दे तो वही करो अब इसको तुम कहीं पे जगह बनाओ देखो यार या तो यहाँ जगह बनाओ यहाँ जगह बनाओ कैसे भी करके जगह बनाओ और ऊपर वाले क्लोजेस डालो ऊपर जो अपने पढ़े थे फर्स्ट शेड्यूल के अंदर वो डालो यहाँ पे डालो 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 डालो, डालो उसकी ट्रिक डालो या डालो तुमको पता रहेगा फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या था बारा क्लोजेस के अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर पार्ट वन के अंदर इसके अंदर क्या है तुम लिखो शायद मैं लिख नहीं रहा मेरे बिल्कुल लिखने में जोर आता है इसका तो उसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल के अंदर फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले के अंदर अपन ऊपर क्या पढ़ा था किसी को भी प्रैक्टिस का लाइसेंस किसी को भी प्रैक्टिस का लाइसेंस बेच के पैसे देना लेना मना है मतलब किसी को फीस दे नहीं सकते ले नहीं सकते फीस दे नहीं सकते ले नहीं सकते क्योंकि -क्यों चार पार्टनर के बीच में ही बसेगी चार पार्टनर के बीच में ही फीस बटेगी तो पार्टनरशिप किस किसके साथ कर सकते हैं सुबह तो बता पांच काच के ऊपर पेड़ रखने के बराबर है पाँच काच के ऊपर पेर रखने के बराबर है क्या किसी दूसरे से वर्क सिक्योर करना किसी दूसरे से वर्क सिक्योर करना सिक्स जैसी हरकतें मत कर एडवर्टाइजमेंट वगैरह मत कर सोलिसिटेट मत कर कस्टमर को सिक्स प्लस वन से भी बड़ा काम क्या कर रहा है तू एक और सिक्स प्लस वन क्या कर रहा है तू एक काम तू अपनी प्रोफेशनल अटेंडमेंट लोगों को गिना रहा है प्रोफेशनल अटेंडमेंट लोगों को गिना रहा है फिर आठ को आठ को साथ मारूंगा एक साथ मारूंगा अगर तुमने प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करा तो प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट नहीं करा तो नो कर देना नो कर देना अपॉइंटमेंट लेने से अगर 139 की कंडीशन पूरी नहीं हो रही है तो नो कर देना नो कर देना क्लस वहाँ पे था दस परसेंट प्रॉफिट आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते दस परसेंट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट परसेंट हिसाब से आप फीस एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो फिर वहां पे तो और भी था एक और ग्यारह बारह क्लोज नंबर क्या पे एक एक करके कितने धंधे करेगा एक एक करके कितने बिजनेस करेगा तो यहाँ पे था गवर्नमेंट बारह बजा देगी अगर गलत जगह किसी गलत जने से साइन करवा लिए तो गवर्नमेंट बारह बजा देगी ठीक है तो ये इसको ऐसे भी तुमको कंपनीज रख के चलना है जब भी पढ़ोगे तो कई बार याद रहेगा तुमको कि इसके अंदर ये था इसके अंदर ये था हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया अब इसके अंदर अपन एक दूसरा भी पढ़ाता है यहाँ पे फर्स्ट के अंदर हाँ सर सूसा भी पढ़ाता सर्विस वाला बंदा सर इसके अंदर क्या था वो किसको सैलरी दे नहीं सकता किसी ले नहीं सकता बात आप तो इसके अंदर पढ़ाता तीसरे के अंदर कि उसने पूरा तीन तेरा काम बेकार कर दिया फर्स्ट बार में झूठ झूठ बोल दे कि मैं बोला ने डाटा मांगा डाटा दे डाटा दे अगर तू एफ सी ए तो उसने डाटा नहीं दिया और झूठ बोल के वो काम अलग से ले रहा था लोगों से फॉल्स इन्फॉर्मेशन है फोर्थ वाले में तो कुछ भी नहीं था छह महीने से ज्यादा छह महीने तक उसको सज्जा हुआ या फिर कोई भी प्रोफेशन डिसरेप्यूट करने वाला उसने काम कर दिया

इस एक्ट की कोई सी भी गाइडलाइन कोई सी भी रेगुलेशन तो आप ये एक यूनिवर्सल क्लोज है सब पे लगा सकते हो ठीक है तो अगर इस एक्ट की कोई भी अपना गाइडलाइन कॉन्ट्राविन कौं, करी तो सेकंड वाला आपको कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी ऊपर जो आपने पढ़ा था ट्रिपल सी हो क्या तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंशियल वाला पॉइंट था पर यह था अगर आप पब्लिक प्रैक्टिस के अंदर हो अगर आप एम्प्लॉय हो तो भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी है यहाँ पे या आप पे अगर क्लाइंट इंस्टीट्यूट ने कोई डाटा मंगाया और आपने जूटा दे दिया अब ऊपर याद करो अपन तीन तिगाड़ा काम में जो तीन क्लोज पड़े थे उसके अंदर था याद करो तो तो उसके अंदर था एफ सी झूठ बोला था उसने फिर क्लाइंट इंस्टीट्यूट ने डाटा मंगाया तो उसने डाटा दिया ही नहीं था वहां पे डाटा दिया ही नहीं था उसके अंदर थर्ड वाले के अंदर तो पर यहाँ पे डाटा दे रहा है वो पर झूठा झूठा दे रहा है इंस्टीट्यूट को डाटा झूठा झूठा दे रहा है वहां पर ही नहीं था इंस्टीट्यूट को डाटा यहाँ पे दे रहा है वो फॉल्स दे रहा है डाटा कोई भी अगर हमने पैसा डिफ्लेक्ट कर लिया एम्बेजर कर दिया मतलब चुरा लिया गलत काम में यूज ले लिया अगर पैसा प्रोफेशनल कैपेसिटी में मिला था आपको तो भी आपने वो पैसा चुरा लिया वो फोर्थ अलग किया ठीक है तो ये चार तो ठीक है बाकी आई होप आपको चार के सारे पॉइंट याद हो गए होंगे वरना एक वीडियो को वापस देखो एक बार देख लो गारंटी देता हूँ आपको पूरे पूरे रटने में आ जाएंगे और यही दिमाग में आएगी तुम्हारी चीज़ें ठीक है सर चलो ये भी हो गया अपना क्लोजेस याद करना वाला भी अपना हो भी गया